नारायण नैवेद्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ रैप, तो आइए शुरुआत करते हैं। पापड़ रैप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। ये मैंने कुछ लिया है मीडियम साइज पापड़, ग्रेटेड पनीर, हरी मिर्च, सौंफ, मस्टर्ड सीड्स, गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, तेल, कॉर्नफ्लावर और नमक। पापड़ रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे मैश्ड आलू। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। सौंफ, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च और नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने इन सभी को अच्छे से मिला लिया है। अब हम 2 मिनट तक लगातार इसे ऐसे ही सेकेंगे जिससे अच्छे से सिक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और स्टफिंग भी हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम गैस बंद करेंगे। ये देखिए, स्टफिंग बनकर तैयार है। ऐसे एक प्लेट लेंगे और उसमें पानी डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से घोल बनाना है। अब हम पानी में पापड़ को इस तरह से डिप करेंगे और इसे निकाल लेंगे। हम टिश्यू पेपर से पापड़ को इस तरह से अच्छे से पोंछ लेंगे। हम स्टफिंग को इस तरह से बीचों बीच न रख के थोड़ा साइड से रखेंगे। हम रोल को इस तरह से पापड़ को सेट करेंगे और बहुत ध्यान से इसका रोल बनाएंगे। अब हम इसकी साइड से थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर का घोल लगाएंगे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से हमें इसे रैप करना है। इसी तरह से हमें बाकी सभी को भी बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें रैप बनाने हैं। आइए इन्हें तल लेते हैं। हमारा गरम हो गया है, अब हम इन्हें तल लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए। हमें इन्हें धीमी आंच पे सेकना है और बीच बीच में पलटते रहना है। ये देखिए, ये सेक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। इस पे डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। ये देखिए, पापड़ रैप बनकर तैयार है। अब हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।